कॉफ़ी मेकर जब काम ना करे और वाटर को बॉयल ना करे तो इसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है और दो इसमें थर्मल फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो अमूमन ये होता है कि इसमें इसको जब आप ऑन करते हैं तो समटाइम इसमें पानी डालना भूल जाते हैं और इसको आप ऑन कर देते हैं, तो उसका ये नुकसान होता है कि इसका इस एरिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जिससे ये थर्मल फ्यूज़ जो है तो ये ओपन हो जाते हैं और ये आपका जो हीटिंग एलिमेंट है ये काम नहीं करता। कॉफ़ी मेकर में ये दो थर्मल फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये दो डिफरेंट एरियाज़ को सेंस करने के लिए है। अगर इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है, और अगर इस एरिया में टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है। क्योंकि इन दोनों थर्मल फ्यूज़ में जब भी ये ओपन हो जाए तो ये काम नहीं करता, इसको रिप्लेस करना होता है। लेकिन इमरजेंसी रिपेयर के लिए ये कर सकते हैं कि दोनों थर्मल फ्यूज़ को चेक किया जाए, जो ठीक है उसको रहने दें और जो ओपन हुआ हुआ है यानी काम नहीं करता तो उसको आप बाईपास कर सकते हैं। अब देखें इसको ये किया कि इस थर्मल फ्यूज़ को हमने बाईपास कर दिया, और ये जो दूसरा थर्मल फ्यूज़ है तो ये अपनी ही हालत में है, क्योंकि ये थर्मल फ्यूज़ ठीक है और ये थर्मल फ्यूज़ जो है तो ये ओपन है। अभी इसको चेक करेंगे। थैंक यू।